अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है, लेकिन ठहरिए जरा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं मगज नली निहारी, जायकेदार, मजेदार, खुशबूदार, शानदार, सारे दार इसमें आप लगा दीजिए, क्योंकि जो खाएगा वो खाता ही रह जाएगा और वाह वाह करेगा। निहारी ऐसी कि लोग जावेद और जाहिद को भूल जाएंगे। साथ ही वो लोग जो कि पहली दफा मगज का इस्तेमाल कर रहे हों, तो उनके लिए मगज को साफ करने का तरीका भी इस वीडियो में मौजूद है। आपकी सहूलत के लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई मसाला या तरीका समझ से रह ना जाए। वीडियो तवील जरूर है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको हर चीज तरीके और मुख्तसर तफसील के साथ समझा सकूं। चूंकि इस निहारी में नलियां भी शामिल हैं, 1 किलो नलियां और थोड़ी सी हड्डी गुड़ियां, 1 अदद प्याज, 1 साबुत लहसुन और थोड़ा सा नमक डालकर इनको पका लिया है। 1/2 किलो से थोड़ा सा ज्यादा बड़े का गोश्त, जिसका 1 साबुत टुकड़ा ले लिया है, और निहारी का असल मजा आता ही गोश्त के बड़े बड़े रेशों से है। और इसके अलावा गाय का 1 अदद साबुत मगज, जो कि वजन में तकरीबन 3 पाव के करीब है। तो सब चीजों को मिला के टोटल वेट हो गया 1.5 किलो, यानी ये निहारी 1.5 किलो गोश्त की बन रही है और आराम से 6 से 7 लोगों के लिए परफेक्ट सर्विंग है। तो सबसे पहले हमने देगची में 1.5 पाव के करीब ऑयल शामिल करना है। साथ ही हमने इसमें शामिल करनी है 2 दरमियाने साइज की प्याज, गोल गोल काट लीजिए, क्योंकि जब भी हमने सालन में प्याज को गलाना होता है तो आप हमेशा गोल काटिए, प्याज बिल्कुल गायब हो जाएगी। इसलिए जब भी ग्रेवी वाला सालन बनाना हो तो प्याज गोल काटिए, कभी भी गलाने में मसला नहीं होगा। प्याज को हमने लाइट ब्राउन रखना है, क्योंकि प्याज की रंगत ही तयन करती है इस बात का कि सालन का कलर कैसा होगा। प्याज लाइट ब्राउन होते ही हमने उसमें गोश्त डाल देना है, और जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए उसको हम धीमी आंच पर फ्राई कर लेंगे। और गोश्त के इस हिस्से को बॉन्ग का गोश्त कहा जाता है, जो कि खास तौर पर निहारी में डलता है। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चाय का चम्मच हल्दी। हल्दी की क्वांटिटी हमने कम रखनी है, वरना निहारी पीलेपन की तरफ चली जाएगी। साथ ही हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि यखनी बनाते हुए भी हमने नलियों में नमक डाला है, तो यहाँ पर हमने नमक की क्वांटिटी कम रखनी है। और अब इन तमाम मसालों की हमने धीमी आंच पर भुनाई कर लेनी है, और साथ ही 2 कप पानी ऐड करके इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट बाद अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं नलियां और हड्डियां। वैसे तो वो गली हुई हैं, लेकिन गोश्त के साथ मजीद इनको पका लेंगे ताकि अच्छे से यखनी और निकल जाए। और अब इसमें ढेर सारा पानी डालकर उबाल आने का इंतजार करेंगे, और जैसे ही उबाल आ जाएगा तो इसको ढककर हम कर देते हैं साइड पर, ताकि ये धीमी आंच पर पकती रहे। अब हम तैयारी कर लेते हैं मगज बनाने की। 1 सॉस पैन में पानी को उबाल लेना है, और धुला हुआ मगज इसमें 8 से 10 मिनट के लिए उबाल लेना है। 8 से 10 मिनट बाद इसको आपने इस पानी से निकाल कर ठंडा कर लेना है, और ठंडा होने के बाद एहतियात से इसकी सारी वेन्स इस तरह से निकाल लेनी है। ये मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन देने के लिए यहाँ पर एक क्लिप बना रही हूँ, बाकी मैं इसको आराम से बैठकर साफ करूंगी। और साफ करते हुए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि इसके हमने छोटे छोटे पीसेस नहीं करने, बल्कि जितना मुमकिन हो सके इसको साबुत रखते हुए इसकी सफाई कर लेंगे। तो ये लीजिए, मगज साफ हो चुका है। अब सॉस पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। अच्छा, बाजार में जो मगज निहारी मिलती है वो सिर्फ मगज को नमक और लहसुन अदरक में बॉईल कर लेते हैं, तो आप चाहें तो वैसे कर लीजिए, चाहें तो हल्का सा फ्राई कर लें, दोनों तरीके से अच्छा लगता है। मैं कभी इस तरह से रख लेती हूँ, कभी बॉईल कर लेती हूँ। और अब इसमें एहतियात से साफ किया हुआ मगज ऐड कर देना है। इसमें हम थोड़ा सा नमक और काली मिर्च भी डाल देंगे, और बगैर चम्मच चलाए हल्के हल्के हाथों से इस तरह इसको फ्राई कर लेना है। चमचा चलाएंगे तो ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा, और टूटा हुआ मगज जरा भी अच्छा नहीं लगता। ये आप देखें, ये तैयार हो गया है, और इसके कितने बड़े बड़े से चंक्स हैं। अभी आपको झाग सा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही चूल्हा बंद करेंगे तो ये झाग भी सेटल हो जाएगा। तो ये लीजिए, फ्राई मगज तैयार है। साथ ही मैंने गार्निशिंग भी तैयार कर ली है, जो कि निहारी की जान है, जिसमें बारीक कटा हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें और नींबू शामिल हैं। इन सबको करते हैं साइड पर, और निहारी को चेक कर लेते हैं। वाह भाई, क्या खुशबू आई है, लेकिन अभी असल मसाले बाकी हैं। यहाँ पर हम हड्डियों को इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि जितना भी रस था वो सब निकल चुका। और हड्डियां निकालने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच पिसी हुई सौंठ, यानी सूखी हुई अदरक का पाउडर, और साथ ही इसमें डालेंगे फिलफिल दराज,
या जिसे आम जुबान में पिपली कहा जाता है। यानी आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पिपलियां ले लीजिए, ये 1 टीस्पून के करीब होगा। इसको भी हमने पीस लेना है। ज्यादा डालेंगे तो फिर ये बहुत जलन करेगी खाते हुए। और सबसे आखिर में जाएगा निहारी के लिए बनाया गया ये स्पेशल मसाला, जिसकी तफसील आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलफिल दराज मैंने कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अभी पिछली 4-5 निहारियों में जब से मैंने इसको डालना शुरू किया है तो निहारी में एक अलग ही खुशबू और जायका आने लगा है। पहले भी अच्छी बनती थी, लेकिन अब तो उसका लेवल ही और है। मसालों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे यखनी। इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि जो इसमें गूदा मौजूद है वो सेपरेट हो जाए। अब इसको धीमी आंच पर ढक्कन ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि तेज आंच की वजह से रोगन गायब हो गया है। इस तरह से करने से रोगन वापस आ जाएगा। और ये देखिए, सारा का सारा रोगन इसमें आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसे सेपरेट कर लेना है निहारी से। और यहाँ मैं आपको बाजार वाली निहारी का लुक लाने के लिए टिप दूंगी, वो ये 10 से 20 रुपए का ये फूड कलर मिल जाता है। इसको आपने ऑयल में डालना है, निहारी में कभी भी मत डालिएगा, वरना तो कलर सारा खराब हो जाएगा। हमेशा ऑयल में ऐड कीजिए। वैसे तो ऑयल का कलर बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आपके पास इतनी रेड कलर की मिर्चें नहीं होती तो फिर आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने ये बिल्कुल थोड़ा सा डालकर आपको दिखाया है। और फाइनली सबसे आखिर में हमने इसमें शामिल करना है आटा। आटा इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि भूसी वाला बिल्कुल ना हो, लेकिन बेसन और कॉर्नफ्लावर कतई तौर पर इस्तेमाल ना कीजिए, वो निहारी कुछ अजीब सी हो जाती है। बाजार वाले भी आटा या मैदे का ही इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज, इसको आपने भूनना बिल्कुल नहीं है, डायरेक्टली पानी में हल कीजिए और बस थोड़ा थोड़ा सा आप डालते जाइए। जहाँ आपको लगे कि इतनी गाढ़ी आपको चाहिए वहीं पर हाथ रोक लीजिए और पानी में हलशुदा इस आटे को निहारी में डालते हुए चमचा मुस्तकिल चलाते रहिए, वरना फिर गुठलियां बन जाएंगी। और आटा डालने के बाद धीमी आंच पर तकरीबन 1 घंटा जरूर पकाइए। हम क्या करते हैं कि बस 10-15 मिनट पकाया और चूल्हा बंद कर दिया। यही वजह है कि हमारी घर वाली निहारी में वो जायका नहीं आता जो कि बाजार की निहारी में होता है। और ये धीमी आंच पर पकने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत भी रोगन था वो गायब हो चुका है। इसीलिए हमेशा आटा डालने से पहले रोगन को अलहदा कर लीजिए, वरना उसके बाद आप ढूंढते रह जाएंगे वो ना मिलने का, और ऐसा गायब होगा कि आप लाख जतन कर लें फिर वो नहीं आएगा लौट के। गोश्त को हम चेक कर लेते हैं। वैसे तो मैं हमेशा गोश्त गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जब निहारी बनाती हूँ तो खास तौर पर इसे धीमी आंच पर घंटों पकाती हूँ, क्योंकि गोश्त का एक तो बड़ा पीस होता है तो वो गलने में थोड़ा ज्यादा टाइम भी ले रहा होता है, मगर निहारी का असल मजा ही तब आता है जबकि वो धीमी आंच पर घंटों पकाई जाए। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो फिर मजबूरन आपको फौरन से सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे, अदरवाइज तो आप आराम आराम से इसको पकाते रहें, धीमी आंच पर पकने के लिए रख दें, फिर जो फ्लेवर आता है ना वो हटो बचो किस्म का होता है। और इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। गोश्त भी आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा गल चुका है। थोड़ा सा रोगन ऐड कर देंगे, आंच को धीमा ही रखना है, बिल्कुल जरा सा रोगन ऐड करते जाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको इसमें मिक्स कर देंगे ताकि हल्की सी रौनक आ जाए। बाकी हमने सेपरेट ही रहने देना है। आपने होटलों वगैरह पे नोट किया होगा कि निहारी अलग रखते हैं, रोगन अलग रखते हैं, क्योंकि मिक्स करके रखने के बाद भी गायब हो जाने का खतरा रहता है। और बस अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। और ये खास तौर पर सर्विंग डिश मैंने निहारी, आलू गोश्त, पाए वगैरह के लिए ली है। बहुत अच्छा लगता है इसमें निकाल के रखना और हर बर्तन की अपनी एक खूबसूरती होती है। और यहाँ हमने निहारी इसमें निकाल लेनी है। आप देखें गोश्त कितना अच्छा गल गया है ना, इसके रेशे अलग ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि सर्विंग में अभी थोड़ा टाइम है इसलिए यहाँ मैं इसको तवे के ऊपर रख रही हूँ धीमी आंच पर ताकि ये आखिर वक्त तक गर्म रहे। अच्छा, तवे पर रखने के बाद यहाँ जरूरत के मुताबिक हम इस पर रोगन डाल देते हैं और नलियों से निकाला हुआ गूदा भी इसमें ऐड कर देंगे। सर्दी की वजह से जम गया है, निहारी में जाकर खुद ही मैनेज हो जाएगा। और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर सर्विंग होने तक ढक्कन ढककर रखे रहने देंगे। तो ये लीजिए, लालो लाल रेशे वाली मजेदार सी निहारी तैयार है। मगज हमने सेपरेट रखा हुआ है, कभी भी निहारी में मिक्स करके मत रखिए, वरना निहारी बिल्कुल अजीब सी रंगत की हो जाएगी। इसलिए जिसको जितनी जरूरत हो वो अपने हिसाब से डाल लेगा। और निहारी के साथ हो जाए गर्मा गर्म शीरमाल और नान तो फिर मजा ही दुबाला हो जाता है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। उम्मीद करती हूँ कि इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद आपकी निहारी भी होगी मजेदार, खुशबूदार, शानदार, जानदार, एकदम हटो बचो। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।